आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है रेशम क्लासेस। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे MSOE पेपर आपका जो 3 है। जी हाँ, पेपर 3 के बारे में। ये आपका नोट्स है, फर्स्ट ईयर पेपर, सेकंड ईयर पेपर 3 आपका समाजशास्त्र। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जी हाँ, आपके आने वाले जो जितने भी सब्जेक्ट है ना, यानी कि आपके जितने भी एग्जाम के नोट्स है, जो आपके एग्जाम महज 2 महीने के अंतराल में हो जाएंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया, वरना एग्ज़ाम आपका 1 जून से ही शुरू हो जाना था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आए पिछले बार के एग्ज़ाम से ज़्यादा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए नोट्स सुनने के लिए। क्योंकि ये आपका जो लेक्चर वीडियो है, डेली पे आता है मेरा, और आपको ये 100% आपके एग्ज़ाम के लिए है। जी हाँ, बिल्कुल भी इसे आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये गारंटी है मेरी कि ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। और आप जल्दी से इसे देखिए और जल्दी से अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स, विदाउट आप कोई नोट्स बनाए, सिर्फ आप नोट्स को सुन के समझ के आप बहुत सारा अच्छा इम्तिहान आप पास कर सकते हैं। जल्दी शुरू करते हैं ये वीडियो। बहु सांस्कृतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? अब बहु सांस्कृतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जानते हैं क्या कि बहु सांस्कृतिक शिक्षा क्यों ज़रूरी है। पिछले बार के वीडियो में हमने बताया था कि बहु संस्कृतिवाद क्या है, अब इसका शिक्षा हमें क्यों ज़रूरी है। इस बात के अनेक कारण हो सकते हैं। चलिए, इस बात के अनेक कारण हो सकते हैं, क्योंकि समकालीन भूमंडलीय संसार में बहु सांस्कृतिक शिक्षा एक आवश्यक बन गई है। यानी जैसे ही भूमंडलीकरण संसार, भूमंडलीकरण के बारे में मैंने एक नोट्स बनाया, भूमंडलीकरण क्या है और बहु सांस्कृतिक, जैसे ही समाज, जैसे कि विश्व जैसे ही एक होने लगा। पहले हमें लगता था कि विश्व एक नहीं था, लेकिन जैसे ही 1990 के बाद से, 95 के बाद से इंटरनेट का दौर आया, उस समय विश्व जैसे एक जगह पे सिमटने लगा, सब एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आने लगे, सारे देशवासी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे। इस तरह में था कि शिक्षा का बहुत संस्कृतिवाद होना बहुत ज़रूरी था। यानी सिर्फ आप अपने जो कल्चर है, अपना जो कल्चर है और अपने जो पाठ्यक्रम है, जो एक धर्म की ओर से पढ़ाए जाते हैं, उस पे ही आप नहीं रह सकते थे। आपको विश्व के साथ अगर आगे बढ़ना है, पूरे देश के साथ, तो आपको वो जो शिक्षा का माध्यम है वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे भारत में, आपको बता दूँ, जो पश्चिमी शिक्षा का जो उदय हुआ ना, वो पश्चिमी के शिक्षा का उदय 1928 ईस्वी के आसपास में होने लगा था। क्यों? राजा राम मोहन राय उसके प्रवक्ता थे और वही थे जो ब्राह्मण समाज का, वही उन्होंने ही ये जो शिक्षा है ना, उनको पश्चिमी शिक्षा की ओर भारत देश को अग्रसर किया था उन्होंने ही। कारण बस ये था कि वो भारत को पिछड़े देशों पे नहीं देखना चाहते थे, वो चाहते थे कि देश जैसे विश्व आगे बढ़ रहा है, वो भी, भारत भी उसी तौर तरीके पे आगे रहे। उनका ये नहीं कहना था कि आप अपनी संस्कृति को छोड़ दें। क्या हमने अभी अपने कुरान, बाइबल, या फिर अपनी गीता, महाभारत, या फिर रामचरितमानस, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनको पढ़ना हमने छोड़ दिया है? नहीं, लेकिन हमने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, लेकिन अपनी शिक्षा का जो माध्यम है और तरीका, उसे बदल दिया। हमने कोई धर्म विशेष को ना लेकर, कोई संस्कृति एक को ना लेकर, बहुत संस्कृतिवाद शिक्षा का हमने उदय किया, और इस पे से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या क्या था कि इसमें जो है ना, देश विदेश के बारे में, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे थे देश के, वो थे पर्यावरण, पूरे विश्व के गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, परमाणु सशक्त, दुर्भिक्ष, भूखमरी, ये सारे जो थे ना प्रक्रियाएं थी, ये सारी चिंता के विषय थे। और इस पे सबको सबको एक साथ मिलके जो डिसीजन लेना था और सबको इस पे आगे आके हेल्प करने थे। तो अगर बहुसंख्यक बाद अगर बहु संस्कृति नहीं रहते, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम अगर नहीं रहता, तो क्या सारे देश एक तरीके से एकजुट हो पाते? नहीं हो पाते। सबकी समझ एक हो पाती? नहीं हो पाती। और इसके साथ साथ जो है ना, मानव अधिकार, क्योंकि हमें पता है कि मानव अधिकार का पता हमें चला अलग अलग देशों से देख के, या फिर वो इटली का एकीकरण हो, औद्योगिक क्रांति हो, जितनी भी क्रांतियां हुई, वो उनका कारण क्या था कि हर एक मानव को अपना अधिकार चाहिए अपने राइट्स के बारे में। तो जब दास प्रथाएं हटने लगी और ये सारी चीज़, तो मानव को एक करने के लिए, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स को
देखने समझने के लिए जानने के लिए भी बहु संस्कृतिवाद बहुत जरूरी था। न्याय के लिए वैकल्पिक जीवन चयन पद्धति, यानी आपको जैसे अपने जीवन को जीना है, अपने लाइफ आप जैसे जीना चाहते हैं वैसे आप जी सकते हैं। इस चीज़ की भी जानकारी और इस चीज़ की भी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी आपको सिर्फ कहाँ से मिलती है, यानी बहु संस्कृतिवाद से ही ये सारी इंडिपेंडेंसी आई कि उस देश के लोग इतने अच्छे से इंडिपेंडेंटली रहते हैं, तो हमारे देश के लोग क्यों नहीं, और हम भी इसी तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और इस प्रकार गैलिक एवं चीन 1990 के अनुसार बहुसांस्कृतिक शिक्षा के लक्ष्य क्या क्या थे, व्हाट वॉज द गोल्स, गोल्स क्या थे, किसके लक्ष्य क्या क्या हुए। तो इसके लक्ष्य से देखिए कि संस्कृति विविधता की शक्ति के मूल्य को बढ़ा देती थी। विविधता की शक्ति यानी जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेजमेंट भी बढ़ती है, ठीक है। उनके लिए मानव अधिकार और सम्मान को बढ़ावा देना था बहुसंख्यकवाद की एक नीति। तीसरा था प्रजातिवाद, प्रजातिवाद, लिंगवाद, गरीबी आदि सब सबको हटाने के लिए और एकता लाने के लिए ज्ञान हासिल करने का ही एक मुद्दा था बहुसंस्कृतिवाद। लोगों के लिए वैकल्पिक जीवन यानी ऑप्शनल लाइफ आप जैसे जी सकते हो वैसे जीने के लिए। अगला था समूहों के बीच में अधिकार और आय के वितरण में। अब ग्रुप है पर उसका हर एक ग्रुप्स का अपना राइट है और आय का वितरण, ये सारी चीज़ें बहुसंस्कृतिवाद से ही आई, बहुसंस्कृतिवाद शिक्षा से ही आए। और वर्तमान का युग बहुसंस्कृतिवाद का युग है, ये तो हमें पता है कि अभी संस्कृति बहुसंस्कृतिवाद हो गई है, यहाँ कोई एक संस्कृति सिमट के नहीं रह गई है। तो इसी तरह यही शिक्षा का माध्यम था और हमने इसीलिए मॉडर्न से एजुकेशन को सिस्टम को चुना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।